बेटी की शादी नहीं दूंगी, मेरी मेरा साफ जवाब है बस। वो ऐसे है ना कि हाँ। मेरी सिस्टर, तू मेरा भाई, मेरे बड़ेरे बड़े तक घूमते फिरते। बेटी का निकाह हो चुका है तो ऐसे निकाह वो तो समझो कि मियां बीवी बन चुके हैं अब इतनी। हाँ, जितना देर उसको बिठाओगे वो आपके सर पे ही आ गए हैं। हम दरिया के बीच में मतलब अंदर आ गए हैं, पहले तो वो किनारा ही था। ठंडा है ये देखे जी, दरिया की जो आप फार्म की खाते हो ये देखो, ये ओरिजिनल। मम्मी ने बताया है। हाँ, और ज्यादा ना घुटी टोट पसंदू है। चाची मेरी सोनी चाची ते मेरी बुढ़ी चाची। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, हमारी मछली जो है ना तैयार हो गया। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, हमारा दूसरा व्लॉग, शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुबतला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे साहब देखने वाले बहन भाइयों पर अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी दोस्तों, दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है हेड पाइनन पे आके दरिया पे। तो इधर जो है ना थोड़ा सा वो होता है ना कि आउटिंग, वो करने के लिए वो भी सलमा सिद्रा उन्होंने बोला बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, तो कश्ती पे बैठना है, थोड़ा राउंड लगाना है। मैंने कहा ठीक है जी आ जाओ। तो अभी देखें ये आ गए हैं हम दरिया पे, और यहाँ पे ये देखें कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, ये सारी लाइन लगी हुई हैं। तो वो बेड़ी पे बहूंगा, ये देखो जी बेड़ी पे बहूंगा। तो ये आ चुके हैं और यहाँ पे ये भी आ चुके हैं। हाँ जी, बहुत सारी किश्तियाँ हैं, और आ जाओ आप लोगों, मैं इधर रुकूंगा ताकि कोई गाड़ी चलाने वाला भी हो। मतलब मैं इधर रुकूंगा ना। अच्छा हाँ, आप लोग हाँ साथ आप चलेंगे तो सारे यार सारे नहीं, एक गाड़ी के लिए तो रुके गाड़ी, कौन सा कोई वो बिस्मिल्लाह गिर गई है, लॉक की हुई है, वैसे गाड़ी के साथ एक होना चाहिए। हाँ आ जाओ, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, इधर से आ जाओ, इधर से आओ रास्ता इधर से। हाँ ये रास्ता है, उधर से ना वो गंदा इलाका बना पड़ा है। चलो जी, ये हैं जी इधर किश्तियाँ, और इधर से देखते हैं कि कितना बनता है। मोहसिन आपके साथ है ना? नहीं मोहसिन तीन दो तीन मरतबा पहले भी बैठा है। एक बार पहले बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलो। बस वो बैठा, हौसला दे रहे हैं ना, फिर ऐसे अकेले हम कैसे बैठेंगे? मतलब कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं, वो भाई भी है मोहसिन भी है उधर, कोई टेंशन नहीं, नहीं आप रिलैक्स होके जाओ, सुकून से वापस आ जाओ, आप हमारे साथ बैठे। हाँ गाड़ी कौन सी है भाईजान तैयार? ये सही है, वाटर प्रूफ है भाजी, वाटर प्रूफ। ये वाली जी, ये है जी लारी, और ये लारी में बैठना है जी। हाँ आ जाओ फिर, चलो चलो शाबाश, सारी लारियां बच्चे खुश हो रहे हैं। हाँ उनको आपसे तो ज्यादा वो ही दिल, बड़े दिल वाले हैं। हाँ चढ़ जाओ ऊपर, चलो ऊपर चढ़ जाओ, इसके ऊपर ऐसे। हाँ आगे ऐसे चलते जाओ, चलो जी इनको बिठा दे फिर। माशाल्लाह जी हमारी सवारी रेडी हो चुकी है, और जो है ना रवाना हो चुके हैं। हाँ राइड जो है ना हमारी तैयार है, और अब सीधा ये जतोई मस्जिद ही पहुँचाएगी। हाँ इसलिए तो आपको जबरदस्ती बिठाया है, ये वैसे ज्यादती है। तो चाचू ने कहा मैं बाहर खड़े होके दिखाऊंगा, तो आपने कहा मैं दूर से दिखाता कि बाहर का व्यू, इधर अंदर का व्यू तो ये दिखा देता मोहसिन, मैं उधर का दिखा देता, लेकिन आपको पता नहीं क्या था कि जल्दी। ये देखो चुने मुने नीचे बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? खुद नीचे बिठाया मैंने, बहुत अच्छा। हाँ इधर बैठे रहो, चलो जी रास्ते देखे इधर से कैसे मछलियाँ भी तब पे लगा रही है, छोटी छोटी मछलियाँ। वो हाँ सब खुश हो रही है अभी माशाल्लाह। हाँ ये उधर से लेके आना, इनको भाई वालों को एक तरीका कार है, हम जैसा तो इसको सीधा भी ना कर सके, तो हमसे घूमेगी नहीं, किधर जाना है हम इधर जाएंगे, जिसका काम उसी को साजे।
हमारा काम है गाड़ी चलाने का, कार चलाने का, ये हमारे बस की बात नहीं। अबे नीचे बैठ जाओ। सिद्रा उससे ज्यादा डर रही है, बैठा वो है डरी वो हुई है। डर तो नहीं लग रहा, सबसे बड़े दिल वाली ये है। इसको नहीं डरते हमारे, इसको किसी भी झूले पे बिठाओ, वो डिस्कवरी वाला झूला होता है वो बिल्कुल ऐसे घूमता रहता है, मतलब ऊपर जाकर फिर उल्टा कर देता है। ये उस पे भी कहती है मैं उधर बैठना है, यानी इसका दिल बड़ा है, ये नहीं डरते झूलों से या ऐसी जगहों से। साहब कहाँ बैठे हो? बोलो, कश्ती में बैठे हैं, बोलो। वो डरा हुआ है। आप पहली बार बैठी हो कश्ती में? लो जी, फिर तो ये एक्सपीरियंस होने चाहिए ना। हर एक चीज, अपना पाकिस्तान कितना प्यारा मुल्क है, हर एक चीज। आमीन आमीन। दुआ भी कुछ कह रही है। हाँ, आप क्या कह रही हो? दुआ भी कहती है मैं पहली बार आई हूँ। वो कहते जब मेरी माँ नहीं बैठ गई। बैठ जाओ उधर, पानी है ऊपर, वो नीचे पानी है, फिर आप गिर जाओगे, इसलिए आप इधर बैठे रहो। ऊपर कोई नहीं बैठा, देखो वो भी सब। ये कितने बड़े बड़े पत्ते वाले हैं, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको क्या बोलते हैं? ये वाला जो है कमल का फूल, ये कमल कमल है। हाँ। इस पे फूल नहीं लगे हुए, वो उधर देखो उन पे वो, लगे दूसरे किनारे वो तो लेकर तोड़ जाते हैं, उधर कोई नहीं जाता है। इधर से फूल जो होते हैं फिर वो उठाते हैं बीज, वो लड़कियां ना बेचते हैं तोड़ के। अच्छा, ये चीज है कमल का फूल, इन पर होता है। हाँ, इन पर होता है, ये उनका समझे दरख्त है, उनका बूटा है, पानी में होता है। हाँ, इसके ऊपर फिर फूल, वो उधर जाकर दिखाते हैं, वो फूल दिखाएंगे आप लोगों को। वो मछलियाँ टप्पे लगा रही हैं बीच बीच में, कहाँ लगा रही है? हमें तो नहीं नजर आई, वो उधर थी। उधर? हाँ, पीछे पीछे आपके आगे। हाँ, वो उसको पता है ना पीछे कश्ती आ रही है, आगे जा रही है। मुझे छोड़ दो, दुआ कहती है। जैसे वो सब बैठे हैं, वो कहते हैं मैं भी बैठ जाऊं। चले जी, बड़ा राउंड लगाना है, छोटा छोटा ही ठीक है, बड़े राउंड पे ये नहीं जाते ना, ये कहते हैं कि छोटा राउंड। शाजी बैठ जाओ, आप बैठ जाना है, बैठ बैठ इधर, इसको आगे कर। चलो इधर बैठ जाओ, वो देखो वो क्या जा रहा है, बग। इधर बैठ जाओ दरमियान। हाँ परी, आप इधर बैठ जाओ। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ऐसे बैठ जाओ जैसे बैठा हुआ है। इधर हाँ, इधर इधर बैठ रहे हैं, ये जगह सही है। ये शाज़ेब रो रहा है। अच्छा, बस इसको ख्याल करना। चलो जी, ये अब आ गए हैं हम दरिया के बीच में, मतलब अंदर आ गए हैं, पहले तो वो किनारा ही था। हाँ, ये देखो ठंडा है, ठंडा ठंडा है, पहले पहले ठंडा ठंडा लगता है। अब चलेगी गाड़ी दूसरी, वो देखे वो भी कश्तियाँ घूम रही है, वो देखो वो डर नहीं लगता, कितनी दूर दूर है वो देखो। वो सुपर दीदी दीदी जल्दी से कार पे बैठ के जाके साउंड आया। चारों तरफ पानी है ना, आवाज नहीं आएगी, नहीं आएगी आवाज आपकी, वो चल रही है ना, शोर आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। अच्छा लग रहा है ना,
पहुंचे ना। वो सामने फूल लगे हुए हैं, कमल के फूल उधर लगे हुए हैं। पानी आ रहा है इसी तरफ, देखो इस तरफ जा रहा है, इसलिए जोर जोर लग रहा है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मैं उधर बैठा होता डरते नहीं, सुकून से बैठे रहते, मैं उधर से वीडियो बनाता, वो जहाँ पे गाड़ी खड़ी है उधर से दिखाता। चलो जी गाइड उधर जाकर फिर कमल का फूल दिखाते हैं आप लोगों को। किनारे पे पहुंच चुके हैं जी, ये देखिए ये वाला, ये जो सफेद सफेद है, हाँ जी ये सफेद वाला कमल का फूल है, वो खड़ा हुआ है। इसके नीचे होते हैं, हाँ जी जो भे हम खाते हैं ना वो इसके नीचे होते हैं, इसी कमल के फूल के नीचे, इसी जगह पर। हाँ दरिया वाला भे, जो दूसरा पारम वाला नहीं। और ये जो सफेद सफेद फूल है, हाँ ये देखिए ये फूल है, ये वाले ये कमल के फूल, ये तीन है, वो आगे भी है, वो भी है, ये सब कमल के फूल है। वो देखिए उधर और भी है, खाने वाला कमल उधर, कमल का फूल इधर ही होता है। हाँ अच्छा वो इधर ही होता है, जो अक्सर तुम दरिया के किनारे बेच रहे होते ना हरे हरे कलर के, वो बीच खाए जाते हैं, वो इधर ही होता है इसी जगह पे। हाँ वो उसके अंदर होते हैं। हाँ ये देखें मछली वाला जाल लगा हुआ है सेंटर में, दरिया के सेंटर में, उधर वो उधर से आए हैं ना, तो ये देखें इधर ये लगा हुआ है, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल लगा हुआ है, दरिया की मछली, वाह जी वाह। ये देखें इसके अंदर मछलियाँ, ये देखें जाल है, पानी ज़्यादा नहीं होता इधर, उस साइड पे पानी ज़्यादा होता है, दो दरिया जहाँ पे है उस जगह पे दो दरिया मिलते हैं। आगे ये हम हाफ राउंड लगा रहे हैं, ये देखिए आप वापसी भाई वाले ने जाल लगाया है, उधर से आके जाल सुबह सुबह लगा गए मछली के लिए, फिर मछली बेचते हैं इधर। ये देखें जी ये आ गए हैं जाल के पास, मछलियाँ फंसी हुई होंगी, मछलियाँ होती हैं। अभी आके इधर जी रुक गए हैं, तो इधर भाई ने ब्रेक लगाया, ये भाई का अपना जाल है, इधर आके ये जाल लगाया हुआ है मछली वगैरह पकड़ने के लिए। अभी पता नहीं इसमें मछलियाँ होंगी या नहीं। ये भाई कब का लगाया हुआ है? ये सुबह का लगाया है। इधर से फूल नहीं है, दूर लो फूल, वो दूर है, नहीं वो दूर वो भाई देखे चेक कर रहा है, सुबह का लगाया है, अभी देख रहा है कि मछलियाँ आई हैं या नहीं। वो देखो मछली हाँ अभी नहीं आई, किधर है ये देखे जी दरिया की, जो आप फार्म की खाते हो ये देखो, ये ओरिजिनल ही दरिया की दरिया चेक करें माशाल्लाह, ओरिजिनल लाइव देखें दरिया की मछली कहते हो ये देख लो अब। अलीशबा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ एक जगह पर बैठ जाओ, लेवा ये भी मछली बैठ 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 जाओ देख लो सब। हां बाबा आ गई हो इधर, वो ले के आ रहा है फिर देखेंगे। हां अच्छा परी कैसा लग रहा है आपको इधर? अच्छा। ये क्या है? दरिया है। हां दरिया है, वो देखो वो मछली आ गई है।
आपके नीचे आ गई आपके कुछ नहीं कहती कुछ नहीं कहती वो ये देखो क्या है जिंदा नहीं है मर गई जान में फंसी हुई थी ना इसके लिए हाँ जो फंसी होती है उसकी खुद भी जान निकलनी थी ये जिंदा थी देखो जी लाइव मछली भी दिखा रहा है ये देखें जी दरिया की सिंघारी सिंघारी मछली वाह इसको सिंघाड़ा बोलते हैं वही वाली ना बड़े होते ना हम उसको बोलते हैं हाँ सिंघारी ये सिंघाड़ा मछली है और इसके अंदर कांटे कम होते हैं एक कांटा हवा लग रही है कितनी हवा लग रही है ढेर सारी हवा लग रही है इधर देखो इधर वो क्या है वो देखो वो क्या है फूल बहुत मीठी हवा लग रही है कैसे देखे पानी हमें भी चेक चलो जी गाड़ी हो गई स्टार्ट चलते हैं फिर आ गए जी राइड हमारी हो गई खत्म हमारी राइड थी हाफ तक मतलब फुल राउंड नहीं था हाफ राउंड था तो अभी जो है ना हमारा ये राउंड हो गया है हाफ राउंड कंप्लीट तो आप लोगों को उम्मीद है कि हमारा ये राउंड अच्छा लगा होगा और जो लाइव आप लोग ने मछली देखी ये देखें कि जाल में फंसी हुई थी फिर उस भाई ने पकड़ी है अभी जो है ना ये देखें वापस आ रहे हैं गिरते जा रहे हैं सब गिरते जा रहे हैं खुशी में हाँ ये देखें जी ये कुंद्र इसके साथ सफ़े बनाई जाती हैं ये वाली कुंद्र होती है इसको कुंद्र बोलते हैं हमारी ज़ुबान में कुंदर कुंद्र ये इसकी बनाते हैं सफ़े वो देखें वो गीली जो है ना काटी रखी हुई है सूखी हाँ हाँ तीन चार चीज़ें इनका होता है हाँ ये भी देखें ये कुंदर अंदर से काट के आते हैं ना ये वाली इसकी जो मस्जिद में सफ़े नहीं होती मस्जिद में सफ़े रखते हैं ये इसी चीज़ की बनती हैं ये देखें इसके चलो जी अभी जो है ना हमारी गाड़ी के साथ वो आए हुए हैं और उनको देते हैं पैसे और ये बताऊं कि एक राउंड का डबल राउंड अगर बड़ा दो दरिया वाला राउंड लगवाते उधर तक उसका 1200 और ये हाफ राउंड का 600 ये देख लें ये गए हैं मैं दिखाता हूँ आप लोगों को राउंड जो लगा है हमारा ये इधर से गए ऐसे फिर इधर से ऐसे निकले वो सामने जो है ना वाइट वाइट फूल नज़र आ रहे हैं उधर से समझे फिर वापस वहाँ आ गए ऐसे गए सो दरिया फिर वापस उधर नहीं गए उधर नहीं गए सीधा गए फिर वापस आ गए इस तरह का राउंड अभी जो मैं गाड़ी के पास आ गए हूँ अभी बैठते हैं तो हाँ जी आप बताएं कैसा लगा राउंड बहुत अच्छा लगा बच्चे भी कह रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा बच्चों आप बताओ कैसा बहुत अच्छा चलो जी और सिद्रा आपका फर्स्ट टाइम था आपको कैसा लगा हाँ बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह डर तो नहीं लगा ना नहीं नहीं डर नहीं लगा सही ऐसे डरी हुई थी वो मैं एक पर बैठी थी वो ऐसे ऐसे हिलती थी ना फिर डर लगता था वो पुराने दौर की होगी आजकल की जो है ना वो ऐसी थी वो उधर नहीं जाते बहावलपुर लाल सोहारा पार्क में उधर मेरे ख्याल में उधर बैठी थी ना तो वो ऐसे ये तो दरिया है ना हाँ। सुकून से राउंड लगवाते हैं हाँ। उधर तो वो ऐसे खुद बनाए हुए थे तलाब सपीट सपीट फुल सपीट में चलाई हाँ, वो अलग से होता है चलें जी अभी जो है ना चलते हैं फिर ये देखें ये दरिया की किनारा है बन हम सराकी में बोलते हैं बन दरिया की बन ये है किनारा तो अभी जो है ना अब वापस चलते हैं आगे राइड करने के बाद अभी जो है ना आ गए हैं फिश खाने मतलब मछली खाने वो भी सलमा के कहने पे सलमा कहती है कि मैं खिलाती हूँ तो साहब को आज सलमा की दावत है मछली की तो वो उधर बैठ गई है अंदर वो देखें ये सिस्टम बना हुआ है फैमिली का हाँ जी आपको पहुँचा दूँ इधर से वो देखो जहाँ से शाहजेब जा रहे हैं ना उधर से जाओ जूता उतार के जाना हाँ जी बस ठीक है इधर ये बैठ चुके हैं हम ऑर्डर देते हैं फिर उस हिसाब से पहले पूछ लूँ कितना कहते हैं सलमान खान किधर है ये देखें जी सामने नहर भी जा रही है और इधर माहौल बना हुआ है अच्छा सलमान खान है वो फिर कितना ऑर्डर देना है कितने पैसे भर सकती हो देख लो कितने की है तकरीबन 750-800 ऐसे हो होगा
ओके चलो चलें जी, मैं फिर वो करा लूँ जल्दी। चलो सही है, चलें जी। फिर सलमा ने कहा आज मेरी तरफ से पार्टी हो जाए, आज सलमा की दावत खा रहे। ठीक है चलो जी, मैं चलता हूँ फिर। ओके बाय बाय, ओके बाय बाय, ओके मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है बाय बाय। माशाल्लाह जी, हमारी मछली जो है ना तैयार होके आ चुकी है। और हाँ जी बाबा, मुझे रोटी बनाना है। अच्छा, मैं रोटी अलहदा उधर से देता हूँ। ये देखें जी, खाना आ चुका है, तो अभी खाते हैं मछली। खांसी भी हुई हुई है, पता नहीं क्या हो गया है, तो रहा नहीं जाता। बच्चों को भी देखें, भूख लगी हुई थी बिल्कुल, जल्दी कर रहे हैं साहब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तीन बज चुके हैं, अभी इधर बैठे हैं, तो खाते हैं खाना, फिर जो है ना आगे चलेंगे। लुका हुआ है, नजर तो नहीं आ रहा। हाँ नजर नहीं आ रहा, इधर साथ में खड़ा हुआ है। चाय 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 है, चाय का कप चेक करें। सारा रहता पी गई, ये देखें ये भी खाली कर दिया, वो खाली कर दिया, ये देखें ये खाली हुए पड़े हैं। और कितनी पी होगी, पांच कौली, चार कौलियां भी खाली, कौलियां भी खाली हो गई हैं ये वाली। सारा इतना रहता खा, पीती हो, रहता ही खाया है, रहता खाया ना, रहता जबरदस्त होता है, रहता जबरदस्त होता है। मैदे का बेड़ा गर्क करता है। वैसे कौन सा ठीक है, वैसे ठीक नहीं रहता, नहीं रहता तो खाए पिए सही। चलो खाओ खाओ, अल्लाह नसीब करे। मुझे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बोतल दे दो थोड़ी सी। देखें आपकी मच्छी का वो बचत किया है, हाँ इसलिए रहता पिया है, रहता पिया है और ये बची हुई है। अगर रहता ना पीती ना, ये ख़त्म हो जाती सारी। चलो बोतल थोड़ी सी देना, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी हो। सुंदरा से पूछो, पहली बार इन्होंने मच्छी भी आज खाई है। कैसा लगा? सारे काम पहली बार किए हैं इन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। ये सारा खाता तेरे लिखे समय, जब अमीर हो जाओगी ना फिर मुझे वापस कर देना। इंशाल्लाह जरूर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने इलाके के बिल्कुल ही पास, जल्लू साहू, जहां से मोहसिन मैं आए थे गोश्त लेने, चिकन लेने, आसिन की शादी पे, उसी अड्डे पे आए हुए हैं। तो इधर से ना मोहसिन गया था कुछ बच्चों के लिए फ्रूट लेने, ये देखें काफी है इतने है। मुझे क्या पता आपके बच्चे, आपको पता आपकी फैमिली। हाँ सिद्रा काफी है, उसको नजर ही नहीं आओगे। ये देखो ये रखे कहाँ, अभी जगह है कहीं पीछे, ये आगे झोली में रखना पड़ेगा पीछे, ये फिर उधर रखो। हाँ इसको रखो पीछे, चले जी चलते हैं फिर आगे, अब मस्जिद नजदीक है। अब हम पहुँच चुके हैं सिद्रा वालों के घर के बाहर, मतलब अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। और बच्चे जो है ना माशाल्लाह खुश हो के ना, वो देखें वो जा रहे हैं अभी अपने घर की तरफ, कितना खुश हो रहे हैं, हैप्पी हैप्पी हो रहे हैं। ये देखिए और ये आ गया घर, बस इधर से हम चले जाते हैं, बस घर पहुंचा। हाँ घर तो पहुंचा दिया, सामने घर है फिर घर, घर जाके क्या करेंगे, वो तो रोला कर देंगे, हट जाओ। नहीं करेंगे रोला, वो बोलेंगे कि इतना देर क्यों बिठाया इनको इसी डर से। वो जैसे उनको छोड़ने गए थे कौसर इरफान वालों को, उनका भी रोला बन गया था। अब इधर हमें डरे हुए हैं ना, पहले एक फटीक लगी है हमें, कौसर इरफान वालों को छोड़ने गए, उधर उनका अब्बू गुस्सा हो गया, ये कौन सा टाइम है इसको लेने का, इतनी टाइम से बाद आए हैं, गुस्सा हो गया। अब हमें डर लग रहा है कि इधर भी ना गुस्सा हो जाए। चलो जी चलो आ जाओ जी, चले जी पहुंच चुके हैं हम इनके घर के। ये देखें मिट्टी माशाल्लाह, हाँ पानी का इधर बहुत, इधर मैंने डलवाई थी, उठा रहे थे करीब ही मिट्टी, तो कुछ सस्ती पड़ रही थी तो मैंने कहा इधर डलवा लेता हूँ, ऐसे सीधा रास्ता बना लूंगा। राजा रानी सही सही, अभी मुझे सीधी करनी है सारी। ये तो है, ये तो थोड़ा मिट्टी थोड़ी है,
फुल ऊपर नहीं, जहाँ तक बनेगा बस वैसे ही। अच्छा, इसको सीधा करके फिर? हाँ, ऐसे तो नहीं है ना, इधर पानी जमा हो जाएगा फिर इधर रास्ता बन जाएगा कुछ। हाँ, इधर तो रास्ता होगा, वहाँ तक पानी होता है, जाना हमें उधर से या इधर से पड़ता है। सही है, फिर इधर से बन जाएगा। हाँ, इधर तो सारा पानी अभी सूखा है, देखें। वो देखे बदके मेरी रूढ़ी पे चढ़ के। हाँ, इसकी राजा रानी वो बैठी हुई है, ये देखें, ये बैठी। वो सोई पड़ी है, सोई पड़ी है। वो देखो उठ गई, उनको पता चल गया। अब देखो उठ गई, अब देखो उठ गई है। हाँ, आ जाओ, मोहसिन आ गया है। वो भी इसको क्या है? वो भी आ। हाँ जी, चलो 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 चले। वो आवाज लगाई है ना, इसलिए फिर उधर से वो भी डां डां करने लग गए। बस घर वाले यही हैं जो गुजर गए अंदर। मेरी आवाज की जवाब दे रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सामने क्या रखा हुआ है? ये रखा हुआ है कोई टेबल। कोई है इधर? अस्सलाम वालेकुम। भाग्य हमारा फोन तो नहीं लिया था, इधर तो सिर्फ भाभी मौजूद है और तो कोई नहीं। एक बंदा भी नहीं, इना मतलब है। गई है। इसका मतलब फिर हम जाएं, कोई नहीं है इधर। ये बात तो है, इधर तो कोई चले जो है उसको तो मिल ले। हाँ, उसको आप मिल लो। बाकी आ गए जी बच्चे अपने घर, नहीं तो ये डिग पड़ेगा इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। चलो जी, ये आपस में मिल रहे हैं। ऐसा बंदा घर है जो वीडियो में नहीं आता। तो बाकी जो है ना, हम बैठते हैं इधर, गपशप करते हैं। बच्चे तो देखो पहुंच के खुश भी हो गए। वो देखो, ओ आपकी दादी दादा तो नहीं है? वो ये रोने लग गया, ये पानी के लिए रो रहा है। अच्छा, पानी इसको दो फिर। बीबी कहाँ पहुंच गई हो? अपने घर? गाड़ी ला कर। ये आप लोगों का घर है? ये आप लोगों का घर है? नहीं, आपका घर नहीं है। आपका घर नहीं है? ये किसका घर है? खुश हो गई है। देखो वो भी खुश हो गई। चले जी, आ जाएं कोई बड़ा, फिर उनसे गपशप करते हैं। जिस काम के लिए आए हैं वो भी करते हैं, और इनको पहुंचाया, ये काम ये हो गया, और दूसरा काम जो जिस काम के लिए आए हैं वो भी करना है। तो आ जाएं कोई, उसके बाद फिर जीटम हो जाएंगे घर की तरफ। ऐसे ठीक हो गया, बैठो, तशरीफ रखे, और कोई चाय बोतल पानी बताएं? नहीं, अभी फुल है, कोई चीज की तलब नहीं है। चलो माशाल्लाह, ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमा की नानी आ गई है। सलमा की नानी और मेरी चाची। अस्सलाम वालेकुम चाची, मेरी सोनी चाची ते मेरी बुढ़ी चाची। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे। सलमा की नानी और आपकी बड़ नानी। मेरी सक्की नानी, मेरी अम्मी की अम्मी। हाँ, सक्की नानी और हमारी सक्की पड़ नानी। हाँ, और आपकी चाची। मेरी सक्की चाची, मेरे बड़े चाचे की चाची। ये चाची, इस चाची की उम्र 100 साल होने वाली है। सारे आपका वो क्या थी गया, देर थी गया, निरानी थी गई, ठीक है। बस वो कहीं मतलब तबीयत डाउन थी वी है थोड़े आगो वाला, हूँ ठीक है। दवाई से भी गेंदो बात को सेट थी वेने दुआ सलाम दे पे हम सारे सारे सलाम दुआ देने पे। हां बे, हां बे, ओ थोड़ी थोड़ी उधर है। अच्छा, वत वाला भी है। हां टूट गया थे। चलें जी, हमारा एक बुजुर्ग आ गया है, इसको तो मिल लिया है, बाकी और भी आस्ता आस्ता एक एक करके आएंगे, ऐसे ना? हां जी। हां बस एक दो और आ जाए फिर हम चले जाएंगे। माशाल्लाह, आ गया शाहकार जिसका था इंतजार। वो देखो आ गया। हाँ, वो देखो, वो आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। हमने कहा कि हम पहुंचे, गायब हो गई, बोले कि अभी अभी घर से चली गई है। देख लो, मैं तुसा दस्या आवे। हाँ, दस्या वीडियो वीडियो
इधर हम आके कह रहे हैं आसन भाई को बोला है सामान ले आना, आपके भाई लोग आ रहे हैं। आपको तो पता चल गया था, पता चला है तो वो कहती है मुझे, हमने कहा किसने बताया, कहते हैं अम्मी ने बताया है। हाँ और ज्यादा ना घुटी टोट पसंदू है ना, हाँ दोनों टूट जाएंगी। नहीं टूटेंगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, ठीक हो? अभी से ठीक है? हाँ ठीक है। अरे है क्या ठीक है, रगड़े ने नहीं पिया रगड़े, मैं को रगड़ा ना देवी, मैं टूट पोसा। क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो, तबियत ठीक है, बाल बच्चे ठीक है ना, किड्डे गई हमें भाई तुरंत फिरन। लो जी ये घर से टूरने फिरने गई थी, मेहमान इधर बैठे ये टूर फिर रही है। वाह जी वाह, मैं को पता तो कहना थकी वदी है ना। हाँ बता चाहो। हाँ अब एक एक करके पैसे पापड़ खिलाए। हाँ दुआ फातिमा कितना वदी है, दुआ फातिमा कई वदी है। हाँ किधर गई है वो कहती है ये मेरी माँ मोटी हो गई है। अच्छा वैसे पहले की नस्बत मोटी हो गई हो? हाँ नहीं मैं मोटी नहीं हूँ, मैं काली हो रही हूँ। नहीं पहले जितना होती थी ना अब देखें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मोटी हो गई है, पता नहीं फिर। मैं बस सबसे अब मेरा आखिरी नंबर है, मैं मोटी हूँ, बाकी सब पतले हैं। अच्छा हाँ जी, ये आपकी छोटी बहन है? नहीं, उधर खड़ी होके दिखाओ बड़ी, चलो उधर देखो एक साथ। हाँ हाँ मेरी बड़ी सिस्टर, अब देखें जी ये छोटी बहन है या बड़ी, मेरे को तो छोटी लग रही है। बैठी है छोटी ही लगेगी। हाँ चलो जी माशाल्लाह आ गई है, आपका इंतजार था। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, सारे बड़े छोटे यक्के ठीक, और सब ठीक थे और सब दुआ सलाम दे रहे थे। वालेकुम सलाम, सब सलाम दुआ भी दे रहे थे और क्या कहते हैं, हम इंतजार में थे कि आप आओ बस सलाम दुआ दें तो हम गोली हो जाएं। असली नहीं नकली, आज आज तो जाएंगे, जाएंगे बैठो। पता है क्या, मैं बताए क्या वो गेट ताला लगा रहे था, मेरी कार वैसे बाहर खड़ी है, मैं इसको इधर से फेंक दूंगा। खड़ी रहा है कार की नहीं मेरी। हाँ ये तो मौसम किधर है, मौसम मैं आपका ड्राइवर था, सवारियां थी आप दोनों, आप दोनों को दिया है पहुंचा, अब मेरी आपकी जिम्मेदारी है मुझे इधर से फरार करने की। नहीं हम तो सवारी हैं, ड्राइवर का काम कर रहे हैं। हाँ फरार कर दे, गायब कर दे मुझे इधर से, जादू वाला कोई अलादीन चिराग ले आओ, चरा दीन चरा क्या अलादीन का चिराग वो ले आओ, मैं वो रगड़ के गायब हो जाऊँ। ओ फरूख खान आ गया है जी, वालेकुम सलाम, भाई फरूक अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। मैंने कहा गाड़ी आई हुई है पता करते हैं। वालेकुम सलाम, गाड़ी आई है तो हम आ गए हैं, एक घंटे से रुकी हुई है हमारे गांव में, कौन आया हुआ है, कोई बंदा तो गैर मर्द कैसे आ गया, जो है ना पूछे, मैंने कहा कौन आया हुआ है, इधर से आपकी आवाज आ रही थी, फिर पता चल गया कि कोई बंदा आया है। क्या हाल है, ठीक हो, ठीक है, अल्लाह पाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सलाम दुआ जो है ना सर, ये बोरा पकड़ लो, ये क्या कहते हैं ये रुमाल, ये इधर रख के ना सारा सलाम दुआ पैक करके वो दे देना अपने घर वालों को। उधर नहीं जाना क्या? नहीं बस इधर से, नहीं लिखा हुआ, नहीं नहीं मना नहीं, वो फिर हमने आना है अभी फौरी तौर, हम जाएंगे फिर कल या परसों, मतलब एक दो दिन तक फिर दोबारा आना है। हाँ ये तो इमरजेंसी आए थे, सवारी छोड़ने आए थे, पक्की बात है। हाँ सवारियाँ छोड़ने आए थे। हाँ आ गई है जी, इनसे करते हैं गपशप, फरूख भी गपशप करता है, हम भी गपशप करते हैं। ओके हो गया, आप अपने घर पहुंच गए हो अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें दो इजाजत, ठीक हो गया। हाँ अब हम जाते हैं, अब आप लोग राजी हो? हाँ ये भी बता दो, राजी हैं?
दिल से या हाँ हाँ दिल से, ऐसी कोई बात चल नहीं, शुक्र है। हाँ चलो बस फिर राजी हो तो फिर हम हमें खुशी खुशी रुखसत करें ताकि हम भी टाइम से इधर से रवाना हो जाएं, आगे की टेंशन नहीं होती। आगे आगे साफ रोड होती है, इधर से अंधेरा होता है ना, इधर थोड़ा सा हम तो कहते हैं रात रह ले, सुबह सुबह चले। उधर सुना क्या था, आपकी दादी इधर आ जाएगी फिर। हाँ ये बात तो है। हाँ वो कह रहे थे कि बस जाओ, पता है रात रहने के बाद से छोड़ने नहीं आ रहे थे। हाँ। पहले उन्होंने कहा है कि अगर हम छोड़ने जाएंगे तो फिर रात नहीं रहेगी। हाथ का है क्या, हाथ नहीं है वो फिर। हाँ असल बात चलो, अच्छा वो पता है क्या, हम आए है ना, हम आए हैं अभी, असल बात भी वो भी आपकी तरह जो है ना, वो भी ऐसे एकदम झटका दिया गोली। अभी हाँ और फिर जो बात है वो भी करो, और फिर इजाजत ले तो फिर चलें, जिस काम के लिए आए हैं वो भी करो ना फिर। जिस काम के लिए आए हैं, असल में आप ही, वो बात ये है कि हम जो है ना आपकी बेटी हो गई मारिया और मुखलस भाई की बहू बन गई है, मतलब हाँ निकाह तो हो गया है। हम जो है ना इसकी शादी की डेट लेने का सोच रहे हैं, आजकल डेट मतलब लेने आएंगे, तो आपका क्या इरादा है? इरादा है क्या, तुसा मेरी बेटी की शादी करके देंगे क्या? हाँ हम शादी हम शुरुआत कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, हमारे सर पे है तो हम करेंगे कोशिश। हाँ मैं सब कुछ समझ रही हूँ, बाकी जरा ना मैं तो अभी आसन बेटे की शादी की है तो मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है। तू जो मेरी बेटी की शादी करते दे रहा है, मेरे पास कैसा कर मैं दी ना जायज, तू देगा क्या? हाँ मैं दूंगा ना, मेरी बेटी का जायज ना दोगे तो मैं बेटी की शादी नहीं देती। मेरा जवाब है कुरा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक सूट कपड़े ना भी नहीं ले सकती। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इकड़ा कर्जा मैं भरा नहीं है तो बोला ब्याह दूसरा कर्जा मैं कौन देता है, मैं बेटी की शादी। मैं आए हम खास तौर इसी काम के लिए थे कि हमने कहा डेट जो लेने आएंगे शादी की, तो ये ना हो कि बाद में फिर वो हो जाए कि आप लोग बोलो कि हमें तो पता ही नहीं अचानक से ये आ गए। मैं हम सलमा और मैंने यही मशवरा किया कि हम पहले जाते हैं, मैंने कहा अपनी आप ही को जाके बोलो उनसे, मतलब एक बंदा होता मशवरा कर लेता है, मशवरा कर लो भी हम एक दो दिन तक आएंगे, आकर डेट वगैरह लेंगे तो आगे का होता है कि बंदे को पता भी चल जाए कि हाँ क्या हिसाब किताब है। तो इसी काम के लिए आए थे, बाकी आप अपना मजबूरी बता रही हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, पहले भी मैंने बेटे की अभी भी शादी की, इतना खर्चा नहीं, तो हाँ ये तो सब बहन भाई भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये है कि हम इतना है कि हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह उसका दहेज का हम करेंगे, फर्नीचर वगैरह का मैं कर रहा हूँ और मुझसे जितना हो सकेगा, बाकी अल्लाह मालिक है। और भी ऐसे बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं, बहन भाई हैं जो देखेंगे, आखिर आपकी बच्ची की शादी है ना तो उनकी, यानी वो ये नहीं है कि उनकी कोई हाँ जिम्मेदारी हो, लेकिन होते हैं बहुत अल्लाह वाले जो देखेंगे भी हाँ इनकी मजबूरी है, बेटी की शादी कर रहे हैं तो वो कर देते हैं। हमें भी पता है हाँ मैं अभी बात कर रही हूँ ना, मेरी बेटी का जहेज पूरा होगा, जो मेरा गांव का रिवाज चलता पे वो हिसाब से रिवाज से मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ खरीदूंगी। वो ना हाँ। पूरा था तो मैं बेटी की शादी नहीं दूंगी, मेरी मेरा साफ जवाब है बस। वो ऐसे है ना कि हाँ। मेरी सिस्टर तू मेरा भाई मेरे वडेरे बड़े थे घूमते फिरते वो वो फिर हम मेरी बेटी का खर्चा शादी तक उठाओ। हाँ मैं इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से मेरा चाचू वो ना आपने बिल्कुल बताया नहीं था ना हाँ तो वो बताना तो अभी मशवरा इसलिए तो आए हैं ना, मशवरा करने आया है। मतलब भाई मुखलिस वालों वो हमें कह रहे थे हमारे साथ चलो डेट फिक्स करने, हम इसलिए आ जाए हैं ताकि हम भी इधर से मशवरा कर लेना, कि ये ना हो उनके साथ आ जाए आगे मेरी आप ही दूध का उठा ले। हाँ ये गुस्सा हो जाए, जैसा कि अभी बोल रही है कि मेरा जवाब है, अगर कर सकते हो तो कर दो ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से जवाब है तो फिर यही बात है। मोहसिन इधर आना, मोहसिन सामने आप दोनों लुक के बैठे हो दूसरी साइड पे। हाँ दूसरा ये है ना, हाँ उधर आप सब आप दोनों से भी यही बात हुई थी, मशवरा हुआ था, मैंने कहा कि आप भी जाके अपनी अम्मी को बोलना, और मैंने जो मतलब के अपने सारी जिम्मेदारी उठाई है, मैंने तो वो कहा है कि इंशाल्लाह मैं जितना मुझसे हो सकेगा, वो भी मेरी तरफ से नहीं, एक बहन है उसकी तरफ से, उसने बोला है कि आपकी बेटी का निकाह हो चुका है, तो ऐसे निकाह वो तो समझो कि मियां बीवी बन चुके हैं,
अब इतनी, हाँ जितना देर उसको बिठाओगे वो आपके सर पे ही है कि उसका गुनाह समझ लो या कुछ भी, मतलब उसको जितना लेट करोगे तो आपके सर पे जो फर्ज है उसको जितना जल्दी हो सके। वो सिस्टर कहती है कि मैं साथ दे रही हूँ तो बाकी जो है ना आप ये सर से अपना फर्ज उतारो। वो भी कोशिश कर रही है साथ में कुछ आप अपनी तरफ से कुछ करना, कुछ और भी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक करम करेगा। और मज़ीद मैं वीडियो में भी बताता चलूँ, कोई भी ऐसी बहन हो भाई हो, मतलब मैं पहले तो मैंने कभी नहीं बोला, मुझे पता है इस बात पे रिएक्शन वाले भी आ जाएंगे कि हाँ जी ये अब भीख मांगने पे आ गया है, तो इस बात को आप गलत वे पे मत लेके जाना। जैसा कि आप सबको पता है इनकी शादी का बेटे की शादी की थी तो कर्ज़ा वगैरह उठाया था, तो अभी तक वो कर रहे हैं। तो सिस्टर ने, एक सिस्टर ने पहल की है, शुरुआत की है, उसने बोला कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह और भी कोई ना कोई ऐसे बहन भाई जो जिनके पास फुर्सत होगी वो करेंगे, हेल्प देंगे, हाँ साथ मिल, हाँ इंशाल्लाह हल हो जाए। हाँ तो उसी हिसाब से कि उसने कहा मैं शुरुआत करती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई आ जाएगा जो आप लोगों की शादी का साथ दे देगा, शादी हो जाएगी। ऐसे बच्ची बैठी हुई है, निकाह हो गया, साल हो गया तकरीबन, हाँ साल हो गया निकाह हुए हुए, तो फिर भी अभी तक मतलब उसकी बीवी बन चुकी है फिर भी अपने घर में बैठी हुई है सिर्फ इस पैसे खर्चे के जहेज की वजह से। तो जिस बहन भाई से मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, जिस बहन भाई से हो सकता है, जितनी हो सके, ये नहीं कि आप लाखों में करो, जितनी हो सकती है, आप सब ऐसे होंगे जिनसे जितनी हो सके तौफीक तो वो ज़रूर करें। मैं नंबर दे दूंगा इस अपने इस वीडियो पे, तो आपने मेरा चाहे साथ दे दें, मैं ताकि सलमा की बहन है, मेरी भी बहन है, तो मेरे कज़न की वाइफ है, समझे, मेरा भी अपना घर है ये भी, तो इनकी जो है ना बच्ची की शादी करनी है। तो मैंने एक सिस्टर के कहने पर, एक सिस्टर के साथ पर मैंने आगे कदम बढ़ाया है और मेरी कोशिश है कि जितनी हो सके कि बच्ची की शादी कर लें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसा बंदा हो हेल्प करना चाहता हो तो ज़रूर इस नंबर पर रابطہ करके मुझसे रابطہ करें, और हम इनकी हेल्प करनी है, मैं अपनी नहीं कर रहा, इनकी कह रहा हूँ कि इनकी हेल्प करनी है और शादी करवानी है बच्ची की, जल्दी जितनी शादी हो जाएगी फ़र्ज उतर जाएगा। आप सबको भी सदका जारी है, अल्लाह पाक आपको भी अजर देगा। तो बाकी इनको है, मैं आपको भी बताता चलूँ, एक सिस्टर है जिसने मुझे बोला है कि अल्ताफ़ भाई आप शुरुआत करो, आप अपनी साली साहबा बहन है उसको जाके बोलो, सलमा को बोलना, अपनी बड़ी बहन को बोले कि बच्ची की शादी के लिए हाँ करे, बाकी अल्लाह पे यकीन रखो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। तो फर्नीचर वगैरह कभी मैं कर रहा हूँ, और भी मेरे हैं सामान जो मेरे ज़िम्मे हैं, मैंने वो भी करने हैं इंशाल्लाह। उसका दहेज का जो जितना मतलब बाकियों की हमारी शादी हुई थी ना, जितना सलमा को मिला था, मैं उससे डबल दूंगा उसको, ये देख लो। पुराना दौर, हाँ वो पुराना दौर है ना, आजकल का दौर है, तो मैं उसको आजकल के दौर के हिसाब से अच्छे से अच्छा जितना मुझसे होगा, हाँ, जितने अगर और कोई बहन भाई आ जाएगा साथ देगा तो मजीद फायदा हो जाएगा, हाँ, मैं उसके लिए इंशाल्लाह सारा सामान लेके दूंगा। अगर ये देख लें, अगर कोई और मतलब नहीं भी करेगा हेल्प, आपको भी यही टेंशन होगी, हाँ, लेकिन जो सिस्टर जितना कर रही है उस पे आप जो है ना, आप उस पे राजी हो के ना अपनी, हाँ, बेटी का फर्ज अदा कर दें, बाकी जो है ना बस आपकी यही एक शादी है फौरी तौर, बाकी बच्चों को काफी लेट है, हाँ, अगर आपके दिल में कोई ऐसा है उसके जहेज की कोई ऐसी ख्वाहिश रह जाएगी वो आप बाद में आहिस्ता आहिस्ता कर दें, हाँ, वो हम तो सब साथ ही हैं, आहिस्ता आहिस्ता नसीब में, हाँ, होगा वो उसको मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल अपनी तरफ से बेटियों का नसीब तो अल्लाह पाक ऐसे कोशिश करेंगे। हमारी यही है कि जितना मतलब इधर इस हमारे गांव में जितना बेटियों को देते हैं जहेज, हाँ, हमारी यही कोशिश है हम उससे भी इसको मतलब ज्यादा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमारी यही कोशिश है, बाकी अल्लाह पाक है करम, हाँ, करने वाला, तो बस अल्लाह पाक पे यकीन है, उम्मीद है कि बस इंशाल्लाह, हाँ, बस आप ना समझें कि अपनी तरफ से रिलैक्स हो जाएं, परेशानी को ख़त्म करें, और ये रखें कि अल्लाह पे यकीन रखें कि अल्लाह पाक आपकी बेटी के जो है ना अच्छे नसीब करेगा, और अच्छी उसकी आपकी सोच से बढ़ के इंशाल्लाह मिलेगा, हाँ, आप उसकी माँ हो और माँ की दुआ
सीधी अर्श पे जाती है, ये देख लो। आप जितनी दुआ करोगी अल्लाह पाक जरूर, कोई ना कोई ऐसा बहन भाई ऐसे आ भी जाएंगे जिससे कोई भी अगर परेशानी होगी बीच में तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। बस सिर्फ ये है कि उस बहन ने शुरुआत की है तो उसकी देख लें कि उसको अगर ना भी करती तो उसको तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको हमारे घर में ऐसे समझो कि एक हमारा फैमिली मेम्बर बनी हुई है। वो कहती है कि वो बच्ची बैठी हुई है, साल हो गया निकाह के दौरान भी बैठी हुई है, तो मुझे दुख होता है अगर उनसे नहीं फुर्सत हो रही तो मैं जितना मुझसे होती है मैं करती हूँ, अल्लाह करेगा कोई और भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप जो है, मैं यही मशवरा करने आया था, आपको बोलने आया था कि नेक्स्ट इंशाल्लाह कल या परसों या एक दो दिन में ना हम आएंगे मुखलिस वालों को साथ, फिर आकर इधर डेट वगैरह फिक्स करेंगे। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी, ये सोचना भी नहीं है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, बस सब अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो करेगा अच्छा करेगा। दहेज की इंशाल्लाह उसको भी मैंने बताया है, हाँ वो भी है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा उसके साथ भी, अल्लाह करेगा कोई तो बंदा ऐसा होगा जो साथ देगा उसका के बहन की शादी करा लो, तो उधर भी आ जाएंगे। मेरी तरफ से मैं भी नंबर दूंगा, कोई आ जाएगा तो मैं अपनी तरफ से मैं और भी सामान लेकर, मतलब अगर कोई और मुझे भेजता है पैसे के हाँ यार ये हमारी तरफ से कोई बच्ची को कोई चीज़ लेके देना, तो मैं वो भी लेके दूंगा इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं हो, शादी सिर्फ एक दफ़ा आप हाँ करें, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह सब हो जाएगा। हाँ आज वो आ गया है, मजीद भाईजान भी आ जाएंगे, मुझे जल्दी है मैंने जाना है, हाँ अभी आने वाला है, हाँ तो उनसे मशवरा कर लेना मजीद, फिर मुझे आप कल, अभी नहीं कल, ये भी रेस्ट कर लें तो आप जो है ना मुझे कल बता देना इंशाल्लाह जो है। हाँ सब हमने मौसम को बता, हाँ मतलब हमने क्लियर रखी है, ये नहीं कि कोई चीज राज में हो। मैंने वीडियो भी ये इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि उस बहन तक पहुँच सके, वो बहन देखे जिसने ये शुरुआत की है उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ वाकई उन्होंने जाके उनसे बात भी की है। अभी तो, जब डेट फिक्स होगी ना, हाँ इसलिए मशवरा करने आए हैं आपको बताने हैं, जब फिर डेट फिक्स हो जाएगी तो वो जो सिस्टर कर रही है वो जैसे ही मतलब के जितना उनसे होगा वो करेगी, हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेटी का जहेज लेना शुरू कर देंगे। हाँ आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेट मतलब अब है ना कल परसों तक आते हैं, डेट फिक्स हो जाती है उसके बाद में ये मेरा काम यही होगा कि ये बच्ची के लिए जितना भी सामान जो चीज होगी वो बहन देगी, मैं आहिस्ता आहिस्ता लेता जाऊंगा, तब तक शादी भी आ जाएगी और इंशाल्लाह फिर सामान भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई और भी साथ आ जाएगा साथ देने के लिए इंशाल्लाह। हाँ ठीक हो गया, ये बात थी हमारी, ये मशवरा करना था। तो आप जैसे बोल रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने हामी भर दी है ना, अगर मैंने कहा है कि मैं शादी करवाऊंगा तो अपनी तरफ से मैं फुल कोशिश करूंगा जितना अच्छे से अच्छा दे सकूं, क्योंकि मेरे जिम्मेदारी है वो शादी करवाना, तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा, आपको मायूस नहीं करूंगा इंशाल्लाह। हाँ और वैसे भी मायूसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वैसे भी मायूसी गुनाह है, अल्लाह पाक बहुत बेनियाज है इंशाल्लाह। हाँ देर है अंधेर नहीं है, बस ये देख ले ठीक हो गया। हाँ चलें अब हमें खुशी खुशी इजाज़त दें तो हम जाते हैं इंशाल्लाह, फिर बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह। कोई पता नहीं अगर वो कल कई जबरदस्ती कर लेते हैं, हाँ क्योंकि वो मौसम के इंतजार में रुके थे, हाँ अब कोई पता नहीं वो कल ही तैयारी पकड़ने, ये भी पता नहीं है। कल तो खैर नहीं, आज आए हैं रेस्ट करेंगे कल परसों, हाँ वो ये बताएंगे, हाँ उसके बाद ही फिर करेंगे। हाँ चलो जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी इस वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी इस बात को जरूर आपने सोचना है और गौर करना है और जरूर कोई भी हो जरूर हेल्प करनी है। ये बच्ची के मतलब कोई गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं, सिर्फ बच्ची के दहेज के लिए आप सबने मुझसे रब्ता करना है, जिसने भी जिसके पास हो हस्बे तौफीक हो तो ज़रूर हेल्प करनी है। बाकी ये मशवरा था, इस काम के लिए हम आए थे, मैंने वीडियो के बगैर भी बातें की हैं और वीडियो में भी, ताकि जिस बहन ने शुरुआत की उसको भी पता चल जाए कि हाँ गए हैं उनसे बात कर ली है। तो इंशाल्लाह आगे की रूटीन भी शेयर करते रहेंगे, अभी की वीडियो का एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज। चाची अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बोलो, क्यों बोलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बोलो।
असवन्यू तुसा अल्लाह हाफिज मे को आखो ते मैं गोली थी वजा मैं के कर सा आदि मैं नहीं करती मैं के कर सा जो सब बनो हाय चलो जी मैं अल्लाह हाफिज करता हूं